जय हिंद इंडिया सर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी न्यूयॉर्क में, जो अभी रिसेंटली कैंसिल हो गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं सार्क होता क्या है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले सार्क क्या होता है वो देखेंगे। व्हाट इज सार्क, सार्क का क्या मतलब होता है, सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, फिर देखेंगे की पॉइंट्स ऑफ सार्क, सार्क में की पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे वो भी देखेंगे। फिर है प्रेजेंट कंटेक्स्ट, ये न्यूज़ में क्यों और जो कैंसिलेशन हुआ है वो कैंसिलेशन की क्यों, रीज़न क्या है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो मीटिंग कैंसिल है उसके बारे में। फिर समरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो का, पूरा सार्क के बारे में समरी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सार्क होता क्या है। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। एक ये कॉपरेशन है, कई कंट्रीज का ग्रुप है। ये किस लिए बनाया गया था, इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर्टिकुलर लोकेशन में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए सार्क बनाया गया था। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसका फुल फॉर्म माइंड में रखिएगा क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंबर कंट्रीज, इसमें सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज हैं। 8 मेंबर कंट्रीज के सारे के नाम और सारे के कैपिटल हम देखेंगे एक एक करके। पहला है बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। फिर है भूटान, भूटान का कैपिटल है थिम्पू। फिर इंडिया, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। फिर है मालदीव, मालदीव का कैपिटल है माले। फिर नेपाल, नेपाल का काठमांडू। फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। फिर है श्रीलंका, श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरकोट्टे। फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान बाद में ऐड किया गया था, जब इनिशियली ये सार्क बना था तब इसमें सिर्फ 7 कंट्रीज ही थी, अफगानिस्तान को बाद में ऐड किया गया था। नाउ हम देखेंगे कुछ की पॉइंट्स, सार्क से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स। द आइडिया ऑफ सार्क वॉज प्रपोज्ड बाय द देन बांग्लादेश रूलर, बांग्लादेश का जो रूलर थे उस टाइम पे 1979 में, जियाउल रहमान, जियाउल रहमान नाम के जो रूलर थे बांग्लादेश के, उन्होंने ये आइडिया दिया था बेसिकली। बट स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था, 8 दिसंबर 1958 को इसका स्टेबलाइजमेंट किया गया था। इसमें 8 मेंबर कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर है और 9 ऑब्जर्वर कंट्री हैं जो मेंबर्स बनना चाहते हैं बट अभी तक वो मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। फिर इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर्स है, मतलब जब सार्क बना था तभी से इंडिया इसका मेंबर है ना। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जो कैंसिलेशन हुआ है मीटिंग का वो क्यों है। जनरली क्या होता था, हम हमेशा की तरह ट्रेडिशन था हमारा कि इनफॉर्मल मीटिंग होती थी, जब यूएनजीए यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती थी, वहाँ जो असेंबली होती थी उसमें हमेशा सार्क के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स जो भी होते थे इनफॉर्मल मीट करते थे हमेशा की तरह। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, मीटिंग कैंसिल हो गई है। अभी इस बार चेयर कौन कर रहा था, चेयर नेपाल कर रहा था। सार्क का चेयर चेयर मेंबरशिप नेपाल के पास थी, लेकिन रिसेंटली मीटिंग कैंसिल हो गई है। मीटिंग कैंसिल होने वाली कब थी, मीटिंग होने वाली थी इसी 25 तारीख को सैटरडे को, लेकिन अभी मीटिंग कैंसिल हो गई है। मीटिंग कैंसिल होने के पीछे सबसे इशूज़ वाली बात यह है कि मेन इशू यह है कि पाकिस्तान ने अभी क्या किया, पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया पूरे ग्रुप को, पूरे सार्क मेंबर को, कि हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट तो है नहीं, जो लोकतंत्र या प्रजातंत्र था उसकी गवर्नमेंट तो है नहीं, वहां पे तालिबान का शासन चल रहा है। तो पाकिस्तान हमें इंसिस्ट कर रहा था पूरे ग्रुप को कि हम तालिबान के जो मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मौका दें, जो तालिबान का फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है उसको रिप्रेजेंट करने का मौका दें पूरे उस मीटिंग में। ना हुआ क्या, जो बाकी के स्टेट्स थे वो इस बात से विलिंग नहीं थे, टोटली अनविलिंग थे। रीज़न ये था कि अभी तक जो तालिबान है या तालिबान के जो आपने न्यूज़ में देखा होगा प्रधानमंत्री बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए हैं या फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बन गए हैं, जो ये सब पूरा बन गया है ना, ये एक्चुअली सिर्फ न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइजेशन ना यूनाइटेड नेशन से दिया है ना कोई भी बड़ी कंट्रीज ने अभी तक इसको एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया है। तो अगर हम ऐसी कंडीशन में तालिबान को रिप्रेजेंट करने का मौका दे देंगे अपने सार्क समिट में तो ये अच्छा नहीं होगा और ये बहुत गलत होगा, सार्क समिट की बेइज्जती होगी बेसिकली कहा जाए तो। उसमें जो सार्क समिट के जो सार्क मेंबर हैं उनकी भी इंशर्ट की बात है कि जब कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो हम क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और देखा जाए तो ट्रुथफुल यही है कि जिसको इन्होंने बनाया है अपना फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आमिर खान मुश्ताकी, वो एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जिसको हम अगर हम सार्क समिट में बैठाएंगे बुलाएंगे उसको होस्ट करेगा नेपाल, नेपाल ने डायरेक्टली मना कर दिया कि ऐसी मतलब ऐसी समिट को हम होस्ट ही नहीं करेंगे, और होस्ट ही नहीं करेंगे तो समिट होने का कोई मतलब ही नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगी ना। ये सब चीज़ें इसलिए चल रही हैं क्योंकि पाकिस्तान अगेन एंड अगेन इंसिस्ट कर रहा है कि तालिबान को एज अ गवर्नमेंट ट्रीट किया जाए और उसको मौका दिया जाए, उसको रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो चाहता है, पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर एक बार मौका दे दिया गया तो फिर डेफिनेटली धीरे धीरे करके रिकॉग्नाइजेशन तालिबान को एज अ गवर्नमेंट मिल जाएगा। बट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी तक जब तक यूनाइटेड नेशन या और भी कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं देती हैं एज अ गवर्नमेंट, तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। ऐसे सार्क अगर दे देगा या सार्क मीटिंग के लिए बुला लेगा तो ये सार्क के लिए इंसल्ट की बात हो जाएगी। नो सार्क का मतलब क्या होता है, समरी के बारे में अगर हम बात करें तो सार्क एक बहुत पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, बट ये डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पाने का रीज़न ये है कि उसकी मीटिंग नहीं हो पाती, उसकी मीटिंग में बहुत हर्डल होते हैं। अगर समय समय से मीटिंग हो तो उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, वो एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क कर सकता है, वो इवन पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है, ये इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ का ग्रुप है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा करने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा और हार्ड वर्क देना पड़ेगा और हमें थोड़ा कंसंट्रेशन या अटेंशन देना पड़ेगा या पूरी कंट्रीज़ को
हमें अवेयर करना पड़ेगा, जितने भी इसकी कंट्री मेंबर कंट्रीज हैं उनको सबको अटेंशन देना पड़ेगा और अटेंशन पे करके और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा सार्क को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।